नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। कोरोना महामारी के बीच बिहार में महागठबंधन में इन दिनों शांति है। पिछले दिनों जिस प्रकार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी के मांग को लेकर के मुखर थे, इन दिनों वो खामोश दिखाई पड़ते हैं। जीतन राम मांझी ने इसका खुलासा करते हुए बताया भी था कि हम कांग्रेस की मध्यस्थता की वजह से चुप हैं, और ये वजह लगती है कि सच में उन्हें कांग्रेस ने आश्वासन दिया है, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी फिलहाल शांत दिखाई दे रहे हैं, उनके तेवर फिलहाल नरम है। लेकिन जब बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा भी एक सहयोगी हैं महागठबंधन के, यूपीए के, लेकिन वो काफी लंबे समय से खामोश हैं। महागठबंधन में किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, कौन कौन पार्टियां उसमें शामिल रहेंगी, इसको लेकर के जहां राजद नेतृत्व, विशेष तौर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खामोश दिखाई पड़ते हैं, तो ठीक वैसे ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगली मंजिल क्या होगी, या उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर बिहार के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का दिमाग अभी नहीं गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उनकी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन उनकी बुद्धि बेहद तीक्ष्ण है, बहुत तेज है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन में बात बनी, तब तो हर सूरत में उपेंद्र कुशवाहा वही रुकना चाहेंगे। लेकिन अगर उनकी महत्वाकांक्षा जो है, या उनके सम्मान के साथ अगर किसी प्रकार के छेड़छाड़ की बात आई, तो उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं हिचकेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जनाधार में बढ़ोतरी की है। जिस प्रकार से यादव समाज लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए मुखर दिखाई देता है, पासवान समाज लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के लिए मुखर दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार कुर्मी समाज बिहार की राजनीति की हकीकत है कि नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही दृश्य अब कुशवाहा समाज को लेके भी दिखाई देने लगा है। बिहार में कुशवाहा समाज के नौजवान, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में बोलने लगे हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा में अपना नेता ढूंढने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी बढ़ी है, और अगर महागठबंधन में उन्हें भाव नहीं मिलता है, या मनमाफिक सीटें उनको नहीं मिल पाती हैं, या ऐसी परिस्थिति बनती है कि उन्हें यूपीए से या महागठबंधन से बाहर रहना पड़े, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे मोर्चे का ही रुख करेंगे, और तीसरे मोर्चे में भी उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका कोई साधारण भूमिका नहीं होगी, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ सीएम के उम्मीदवार भी होंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समर्थक हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के निजी तौर पर जो चाहने वाले हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा भावी मुख्यमंत्री, उपेंद्र कुशवाहा फ्यूचर सीएम, ऐसे करके कई सारे ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेजेस और फेसबुक अकाउंट्स भी चल रहे हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के मन में भी ऐसी लालसा है कि वो आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बने, और बिहार में कुशवाहा समाज की तादाद भी इतनी ज़रूर है कि वो मुख्यमंत्री पद में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। नीतीश कुमार को भी सीएम बनाने में तीन तीन बार इस समाज की बड़ी भूमिका रही है। तो ये माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा खामोश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने अगले कदम को बेहद संजीदगी और गंभीरता के साथ चलना चाहते हैं।